और यहाँ पे हम रुके थे जी शैलेश भाई के घर. थैंक यू सो वेरी मच शैलेश भाई फॉर योर ऑलवेज वेलकम मैन, अमेजिंग ऑलवेज हॉस्पिटैलिटी. ऑलवेज वेलकम. ये पूरी फैमिली मराठी में बात करती है ना, मेरे को सुनने में बड़ा मजा आता है. व्हेनेवर यू कम दिस साइड, बी इन टच. थैंक यू, थैंक यू, विल डू. और आप जब भी कनाडा आए, ऑटावा या क्वेबेक, डू लेट अस नो. शैलेश भाई और आंटी ने दाल बना रखी है हमारे लिए बढ़िया. और अभी जब भी बाहर निकलता हूँ ना, तो इसको मैं इनलेट पे कर देता हूँ मोटर होम में, ताकि जो है ना फ्रेश हवा बनी रहे. और ये जो वॉशरूम वाला है, इसको आउटलेट पे डाल देता हूँ, ताकि अंदर हवा सर्कुलेट होती रहे. वरना क्योंकि गर्मी का टाइम है तो अंदर ना हवाड़ कटी. और हमने यहाँ पे ना इनके घर के साथ ऐसे मोटर होम खड़ा कर दिया. हालांकि यहाँ पे ना सड़क पे रूल होता है कि जिस डायरेक्शन में सड़क जा रही हो ना, मुंडी उधर ही होनी चाहिए. जैसे आप देख रहे हो मुंडी उधर है उसकी, इसकी मुंडी इधर है. क्योंकि अगर आपकी मुंडी गलत साइड पे है तो इसका मतलब टेक्निकली स्पीकिंग आपने गाड़ी रॉन्ग साइड चलाई. एक रात की एक्सेप्शन है तो हमने ये काम कर लिया, क्योंकि भाई स्लाइड आउट को अगर मैं वहां मुंह करूंगा तो सड़क पे आ जाती, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगा ली दो पेड़ों के बीच में. इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो है ना वो स्लाइड आ गया, ताकि बाहर सड़क पे गाड़ी उतनी ही जगह ले जितना एक नॉर्मल गाड़ी लेती है. वरना सड़क पे ऑफिशियली कैंपिंग करनी अलाउड नहीं. स्लाइड आउट बाहर निकालना, स्टेबलाइजर नीचे रखना, या फिर बंदा कोई कुर्सी वर्सी बाहर लगा ले तो उसको कैंपिंग कंसिडर किया जाता है. कैंपिंग इज नॉट ऑफिशियली अलाउड. इसको बिना स्लाइड आउट किए मैं इसमें सो सकता था अगर ऊपर वाले बेड पे, दैट वुड हैव बीन परफेक्टली लीगल. मगर जब यहाँ है और यहाँ से वाईफाई भी कैच हो रहा था, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो फिर थोड़े से स्वाद बंदा ले ही लेता है. बाकी हैप्पी भाई का थोड़ा सा सामान जो है ज्यादा है, हम डाल कुछ आराम से डालो इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी स्ट्रैप इन करने लगे सारे तो देर बड़ी हो जाएगी और हमने जाना बड़ी दूर है. हाँ, ये थंब इंप्रेशन वो उस तरीके से है बताने के लिए कि इंडिकेटर और जो निकलने की पूरी तैयारी हो गई है, जगह भी हमने डिसाइड कर लिया है. रूट जा रहा है शिकागो की तरफ, मगर रास्ते में आएगा क्लीवलैंड, जो कि बहुत सुंदर शहर है. उससे एक डेढ़ घंटा पहले अपन रुकेंगे, क्योंकि इन लोगों को पूरा कैंपिंग का भी एक्सपीरियंस देना है ना, कि कैसे आप जो है पूरी चीज़ें फुल हुकअप कनेक्ट हो गए. और तीन लोग हैं, तीन बेड बन जाएंगे, तो आइडिया फिलहाल का ये है. सर आप रेडी हो? फिर आप गोप्रो में मेमोरी कार्ड डाला ही नहीं. अच्छा ठीक है, ये चलता रहता है. मैं भी अभी आया था, बिना कार्ड के ही आ गया था. बट ऑल सेट हैप्पी भाई, ऑल सेट. हाँ, ये मैंने ब्लॉग देखा था आपका, ये वाले हेलमेट. इजी एक्सेस है इसका. नाइस, गुड, नाइस. ये तो मतलब एज अ राइडर लेना तो बनता ही है. ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है योर ट्रिप में. यार ये इनको कोई निकाल के नहीं ले जा सकता, कोई कहे कि मैं इसको डिटैच करके ले? नहीं ना, क्योंकि मेरे को तो ये लगा था कोई पता लगे पूरा डब्बा ही उठा के ले जाए. हमने कैमरा डाला. इसका टेस्ट है, देखते हैं गिरता है कि नहीं. भी तो हल्का ही सामान रखा है इसके अंदर. और साबुन भी ने मैंने यहाँ छोड़ा था सूखने के लिए. सूख गया तो इसमें डालता है कि अंदर साबुन साबुन ना हो जाए. फिलहाल साबुन दानी भी लगा लेंगे. पटक चले. ऑल सेट, ऑल सेट. कैमरा इधर, कुछ गिरने को नहीं मांगता है ब्रो. ऑल आंटी का आशीर्वाद भी मिल गया भाई जी. अब वो पूरे चलने वाला है. ये बेबी होती है ना, गर्मी पूरी अच्छी होती है यार. हमारी तो दोनों बेबे चली गई. चलो जी, मोटरसाइकिल वाले तो कब के निकल गए. मेरे को पीछे याद आया, बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया भागा. एक रिमोट पीछे लूज पड़ा हुआ था, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ना भाई. और अपन अंदर अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि अपन ने अवॉइड टोल लगा रखी है. निखिल भाई ने इजी टैग ले लिया था वो मोटरसाइकिल पे, तो उनको यही सूट करता है कि वो जो है मेन हाईवे से जाए, तो वो मेन हाईवे से जा रहे हैं. बीच में आगे जाके जाम में मर जाऊंगा. लाइव लोकेशन शेयर कर रखी है, देखेंगे कहाँ पे जो है फर्स्ट ब्रेक लेनी है. मगर मैं ये ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मैंने उनको भी कहा, उनका टारगेट बहुत जल्दी बहुत दूर पहुंचने का है, तो बात अलग है कि आप अवॉइड टोल करके जाओ, क्योंकि वो आपको अंदर अंदर से लेके जाती है. और वो चीजें देखने को मिलती है जो बंदा इमेजिन नहीं करता कि यार ये अमेरिका ही है. देख लो जी, झंडे लोग बड़े प्यार से ना अपने घरों के बाहर लगा के रखते हैं. यूएस में ये बड़ा पॉपुलर कल्चर है. या तो सिटी जो है ना इन खंभों पे लगा देती है, और अगर सिटी नहीं लगाती तो लोग अपने अपने घरों के बाहर जो है प्यार से अपने देश के प्यार के लिए झंडे लगा देती है. देखो इस बंदे ने तो चार चार लगा रखे हैं. ये लो ब्रिज आते हैं, इन पर ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर यूरोप में. 13.9 लिखी है अपनी, 11 है, तो अपन निकल सकते हैं सेफली.
वेट लिमिट 8 टन। I am actually trying to go to Chicago. Yeah, I go all the way downtown, make a left on 46. Okay. Take 80 west. 80 west. अब ये सामने आप देख रहे हो, limit है 11 foot 6 inch और बहुत चौड़े भी हैं, तो इसपे नहीं जा सकते। Weight limit भी जो है 8 ton की है, so I'll have to take a U turn. Thank you. Thank you. यहाँ पे ना स्पेशल एप्स आती हैं जो आरवी के लिए ही बनी होती हैं, जीपीएस वगैरह वाले। गूगल मैप्स तो गाड़ियों के हिसाब से चलता है, तो मेरे को लग रहा है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और ये जो कारखाना है ना, ये पेड़ों के पीछे पीछे साथ साथ नदी चल रही है, पता नहीं आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ये नदी के उस तरफ ना पेंसिल्वेनिया स्टेट है, और इस स्टेट में ना पेट्रोल और डीजल बहुत महंगे हैं, तो इसलिए कोशिश करते हैं न्यू जर्सी में ही बॉर्डर उस तरफ क्रॉस करने से पहले अगर कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो भरवाते हुए जाऊं। ओ आगे आगे गैस स्टेशन, भाई साहब ऐसे ही पवा रही है ना। ठीक है, 3.45 नॉट बैड। और ये न्यू जर्सी का ना रूल है कि यहाँ पे आप खुद नहीं भर सकते पेट्रोल, वन ऑफ अ फ्यू स्टेट्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि भैया बंदा ही भरेगा, तो इसलिए पीछे जो सर हैं उनको बोला है टैंकी फुल करने के लिए। रेट है यहाँ के और डीजल अपने को ठीक सस्ता मिल गया, पेंसिल्वेनिया में तो सर महंगा। मेरे ख्याल से कोई 70-80 सेंट का फर्क है, है? कमाल ही होगी, मतलब 50-60 रुपए का लीटर का फर्क है, लीटर नहीं गैलन, गैलन का 60 US डॉलर्स 17 गैलन आया ये। हेलो, हाउ मच इज इट? थैंक यू सो मच। लो जी मोटर होम, $10 लग गए यार मोटर होम के। ये जब दिल बना हुआ था ना, इसका मतलब ये लव्स है। और यहाँ पे पेट्रोल ट्रैवल स्टॉप है, आप रेट देखो, मैं अभी 3.5 समथिंग का भरवा के आया हूँ और यहाँ 4.5 पर गैलन लगा हुआ है। 1.5 घंटा रह गया पहुंचने में, मगर जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पे आप ये लगा लो कि शहर वहर कोई नहीं है उसके आसपास। तो पहले एक शहर आ रहा है, वहाँ पे एक वॉलमार्ट है, उधर मैं रुक रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था 3 लोगों के इसमें रुकने के हिसाब से। कुछ बेसिक चीजें जो चाहिए होंगी वो उठा लूँ, ताकि ऐसा ना हो ये गए कि कैंपिंग में एक रात रुकने के बाद मजा नहीं आया। ये देखो बढ़िया चीज है ना कि मैं पहले भी बताया था येलो लाइंस के अंदर आ जाता, तो इसलिए टेक्निकली इसको ना 4 के बीच में आधा आधा करके नहीं खड़ा करना पड़ता, तो 2 ही स्लॉट लेता है। यूरोप में ये चीज थोड़ी सी एडवांटेजियस होगी, मगर अगर आपका स्लॉट वैसा हो ना, वो पीछे जो आपको दिख रहा है और उसके पीछे खाली कर्ब हो, तो वहां पे सिर्फ सिंगल स्पॉट में भी काम हो सकता है, क्योंकि इसके जो पीछे वाले पहिए हैं ना, तो वो जो पीछे वाला हिस्सा वो कर्ब पे चढ़ जाएगा। छोटा शहर है, मेरे को लगता है कि यही सबसे बड़ी ग्रोसरी है, यहाँ पर खूब धूम धमाका लगा हुआ है। फिलहाल तो जी एक मुर्गा और कॉलीफ्लावर क्रस्ट वाला पिज्जा ले लिया है, ये मेन इसलिए ताकि जो आरवी का ओवन है अभी तक टेस्ट नहीं हुआ वो कर लें, और एक मोटा प्याज। अब ये ऐसी रख के तो निकल नहीं सकते, वरना गिरता टूटता रहेगा सामान, और ग्रोसरी सारी जो है ना वो कुल मिला के आई है $70। आगे जी आगे फैमिली ओरिएंटेड कैंप ग्राउंड है, फैमिली नहीं है हमारे साथ बट कोई नहीं, बड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है यार। वो रहा सामने ऑफिस, वहीं मिलेंगे भाई लोग। अरे पार्टी वो खड़ी, बहुत ही बड़ा कैंप ग्राउंड है, साइट है देखो 300 समथिंग मिली है। नहीं इधर ले आओ ना अपनी साइड में, हाँ क्योंकि ये अपना एरिया है, वो दूसरी साइट है। हाँ जी फाइनली ले आए जी मुंबई कर निखिल को अमेरिका में कैंप ग्राउंड्स की एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। पूरा फुल हुकअप वाला लिया है जिसके अंदर पानी सीवरेज आई गटर एरा, साला को ढक्कन भी नहीं लगाया हुआ है इन्होंने। चलो कोई नहीं, पानी बिजली मिल जाएगी बढ़िया। रात को अब कोई जनरेटर वनरेटर की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्लास एसी वैसी चलेगा। हाँ मैं बियर का चखना तो ले आया हूँ आपके लिए, वो जो बढ़िया चिकन काजू वाजू सारा सामान। ये जो है ना सर, यहाँ तक अपना इलाका है, इसमें आप कहीं भी कुछ भी खड़ी करो, जब तक हाँ ये जो आप कह रहे हो ना ये केबिन वगैरह, ये लोग सीजन सीजन के लिए ले लेते हैं रेंट पे,
वो देख रहे हो परमानेंट वाले, ये सारे सीजन के लिए, जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं 4-6 महीने के लिए बुक करा के पर सीजन लेते हैं। हाँ हाँ, अभी मैं खोल भी देता हूँ ना इसको, इसको मैं टेबल पे रखता हूँ। $70 लगे हैं, कैंप ग्राउंड बढ़िया है तो उसकी वर्तो करनी शुरू करें ना। 30 amp, स्विच ऑन द सर्किट ऑन लाउड। इसको हर दिन पहनना होता है। हाँ हाँ हाँ। तो हम सब क्या करते हैं, तो क्विक ड्राई होता है। ओके। इसको धोना पड़ता है, ये सब सोख लेता है। इसको धो निचोड़ो और बस रख दो धूप में। नाइस। सन है तो सूख देंगे, तो क्या नेक्स्ट डे पहनेंगे तो विल बी फ्रेश। फ्रेश। और नहाने के बाद फिर से बदबूदार पहनो। सही बात है। बाकी जी ये मैं ले गया था स्पेशल, ये है वाटर फिल्टर, कार्बन बेस्ड, ताकि पानी का जो टेस्ट है ना इसमें से निकल के भी। वैसे तो हम पीने के लिए बॉटल वाटर यूज़ करते हैं फिलहाल, क्योंकि प्रॉपर यूवी वाला फिल्टर अभी लगाया नहीं है, बट ये जो है हमारा काम कर जाएगा। इसको होस से कनेक्ट करना है बस, एक तरफ से और दूसरी तरफ पाइप से। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन होस, क्योंकि ये जो है ना बेंड हो जाता है, तार का वेट हो तो उससे तार कटने का खतरा रहता है। कई बार जो एक खुरदरे खारे पानी का स्वाद आता है ना, वो इससे आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मिट्टी आ रही है पानी में, देखा कितनी मिट्टी निकली। अब पता नहीं वो कैमरे पे दिखा नहीं, मगर ब्राउन ब्राउन रस्ट टाइप निकला, वो सारा फिल्टर हो जाता, नहीं तो फिर हमारे टैंक में जाता। अब ये पहली बार चला रहा हूँ ना, तो एक बार थोड़ा इसको खाली भी रन कर लेते हैं, फिल्टर फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। मैं कहूँ वहाँ से टूटी खोल दी, यहाँ से पानी क्यों नहीं निकल रहा। फिर मैंने देखा कि जिनसे हमने आरवी लिया उस पर क्विक कनेक्ट होज लगा रखा है। ये बेसिकली इसका भी फंक्शन आपको बताता हूँ, मगर इसको मैं खोलूँ अगर बड़े प्रेशर से पानी है इसमें, इसलिए इसको भी फिलहाल ऐसे बंद ही रखते हैं। और जैसे अब मैंने चूड़ियाँ घुमा घुमा के इसको टाइट किया ना, तो ये उसी का इलाज होता है कि आप पाइप के दो तरफ क्विक कनेक्ट होज लगा दो, जैसे यहाँ भी लगा हुआ है, तो इसमें आपको चूड़ी घुमाने का चक्कर नहीं, ये डायरेक्ट जो है ना इसी पर डालोगे, कटक करके अटैच हो जाएगा। मगर हम ऐसे नहीं डालेंगे इसको, क्योंकि ये दी हुई है चूहा प्रोटेक्शन, ये जो होल है इसके अंदर से इसको निकाला जाएगा, ताकि कोई भी खुला स्पेस ना हो। अगर बाहर से दे दी तो मैं इसको बंद नहीं कर पाऊंगा ना, लगाने के लिए इसको बस ऐसे करके गया। अब अंदर पानी होना चाहिए, इसका काम तो हुआ। पानी चेक करें, पानी आ गया, बिना पंप के आ रहा है। मैं आपको झंडों का बता रहा था, लोगों ने आरवी के ऊपर भी झंडे लगाए हुए हैं, और आजकल लोग इन्हीं झंडों के ऊपर ना अडाप्टर लेके स्टारलिंक लगा देते हैं, ताकि सीधा उनका जो है ना आसमान का नजारा बन जाए। बट अभी अपन के पास खुली जगह है, तो अपन यही टेबल पे ही सेट कर। फाइनली जैक माउंट कर दिए हैं, एक साइड वाला आपको ज्यादा नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि एक साइड से टेढ़ा था, मैनुअली उंगली कर करके कुछ बन गया जुगाड़। भाई यूट्यूबर है तो स्टारलिंक तो चाहिए ही, बट अभी इसकी स्पीड जो है ना थोड़ी ऐसी सी आ रही है, मजा सा नहीं है। अपलोड तो भूल ही जाओ, 5 अपलोड भी ठीक है यार, 12-15 अरे 12-15 बहुत होती है। हाँ, वीडियो अपलोड करने का काम करेगी, 5 तक मिल जाएगा ना, खो जाएगा। हाँ हाँ, मोटो व्लॉगिंग की एडिटिंग चल रही है, तो मैं क्या थोड़ी सी सीख लें, मगर देखते देखते नजर इस पे पड़ गई है। अब ये क्लास ए है या क्लास सी है, थोड़ी सी आगे करना है। ये सुपर सी है, ये देख रहे हो, ये बेसिकली ना एक ट्रक की चेसी है, फ्रेट लाइनर, तो इसको सुपर सी बोलते हैं। पीछे आते हैं, हाँ ये देख रहे हो, ये जितना ये है ये सारा स्लाइड आउट है, इसकी दीवार बाहर आएगी। ये महंगे आते हैं थोड़े से डीजल, और इनकी ना टोइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये इसको बोलते हैं फ्लैट टो, या टूट बोलते हैं इसे, और इसका मतलब आपको किसी डॉली की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट गाड़ी घसीट सकते हो। अब ये गाड़ियां आप देखो, अब इतना बड़ा इसके पास पहले ही पावरफुल ये है, तो ये पिकअप ट्रक लेके क्यों चल रहा है, ये नॉर्मल गाड़ी पार्क करके लोकल घूमने के लिए नहीं। उसकी वजह ये है कि 90% गाड़ियों में ना ये फैसिलिटी नहीं होती कि आप उसको डायरेक्ट टो कर सको बिना किसी टोइंग व्हीकल पे चढ़ाए, कि चारों पहिए इसके ग्राउंड पे हैं। हाँ। जो मैंने पहले मोटर में लिया था, उसके पहले दो पहिए आपको एल्यूमिनियम के कैरियर पे चढ़ाने पड़ते हैं। हाँ, और वो कैरियर गाड़ी को घसीट, और इसमें सिर्फ ऐसी बहुत कम गाड़ियां आती हैं, एक जीप हो सकती है ऐसे, या फिर पिकअप ट्रक हो सकते हैं, पावर कनेक्टेड होता है। हाँ, और ये इसके अंदर से एक वायर निकलती है जो उसके साथ कनेक्ट होती है। अगर आप नोटिस करो उसकी लाइट जल रही है, तो इसकी भी लाइट जलेगी। ये ब्रेक इंडिकेटर सारे कनेक्ट होते हैं, और क्योंकि इसका वेट इतना होता है, तो इसको अगर ये ब्रेक मारेगा तो ये से धक्का लगाएगा, तो इसीलिए इसके अंदर ऑक्सिलरी ब्रेक भी डलती है, कि जब वो ब्रेक दबाए तो इसकी ब्रेक लगे। 12-15 हजार पाउंड खींच सकता है, मेरा वाला सिर्फ 5,000 पाउंड खींच सकता है। पीछे इसका दिया कि आप ये लेके वॉलमार्ट की पार्किंग में जाने लगोगे ना, तो दिक्कत आएगी, तो ये सीधा कैंप ग्राउंड में जाएंगे,
वहाँ खड़ी करेंगे, पिकअप ट्रक डिटैच करेंगे। ये कैंप ग्राउंड वाले, ये कैंप ग्राउंड वाले। अब ये रात का टाइम हो गया और बिल्कुल जो है ना लाइटें शाइटें डिम करके पूरी एम्बियंस बना दी है सोने वाले माहौल की। सारे जो है अलग अलग बिस्तरों में सेट हो गए हैं और ये अपना फर्स्ट क्लास व्यू है। मेरे को ऊपर वाला सबसे बढ़िया कंफर्टेबल लगता है, रीजन बीइंग गद्दा जो है ना ये सॉलिड है, रात को झूलता नहीं। प्लस निखिल भाई जहाँ आप सो रहे हो ना, मैंने यहाँ पे सोना इसलिए अवॉइड किया है क्योंकि जब भी कोई बंदा वॉशरूम जाता है ना तो ऐसे करते हुए जाएगा तो उसकी टांग लगेगी रात को आपको। तो मैंने कभी अपने ब्लॉग में भी शेयर नहीं किया, मैं आ रहा था एक बार, हम लोग गए थे ह्यूंडई के लिए न्यूयॉर्क। अच्छा। और मैं हम लोग बिजनेस क्लास में थे, सो गया मैं। हाँ। मेरा हाथ ऐसा निकल गया बाहर और प्रोजेक्ट था मोस्टली से, मुझे बाद में बताया, मुझे नहीं मालूम। अच्छा। बोलती सारे पैसेंजर आ रहे क्या करें, ऊपर से जा रहे वापस घूम के जा रहे। बोलती है मैंने उठी मेरे तरह हाथ ऐसे लिया और तो पहाड़ ऐसे आया। एक बार दबाओ, एक बार ये रीडिंग लाइट डिस्टर्ब ना हो। और अगर ये देखो पाओ पढ़ना, तो किसी को उठाना है पढ़ना, तो वैसे भी नहीं रात को वॉशरूम वगैरह जाना ना, लाइट सी ये बढ़िया रहती है, हल्की सी लाइट लगाओ तो ये चालू कर। हाँ, वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, इसको ऊपर कर दो उस पर रोशनी आएगी। हाँ, चलो ये सारा शटर डाउन, प्राइवेसी सेट।